हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम हो गया जी आज की इस प्यारी वीडियो में। जी हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर मज़ा आए तो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं जा रहा हूँ अपने शहर में, वहीं से ना पार्ट वगैरह लेने हैं। 2 बज पर मेरा टारगेट है, बाकी आप सब उतनी देर में गैस करें। तो चलते हैं भाई शहर, तो बर्ड्स मार्केट में पहुँच कर मिलते हैं। वैसे गर्मी वगैरह भी है, कोई बात नहीं भाई, चलते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। तो भाई अभी लग रही थी थोड़ी सी प्यास, तो पानी पी लेते हैं। ये देखें भाई, हैंड पंप लगा हुआ है, ये अच्छा काम किया हुआ है भाई। ये देखें, वाह क्या बात है, ठंडी ठंडी हवाएं और ठंडा पानी, क्या बात है। ये देखें, हर तरफ से हवाएं चल रही हैं। तो भाई मुंह वगैरह भी धो लिया है, गर्मी लग रही थी, धूप तेज़ है यार, तो चलते हैं अभी। गाड़ी में यार पेट्रोल तो देख लें, बहुत है भाई। यहाँ पर ये न्यू रोड बन रही है, ये पुराने वाली और वो न्यू बन रही है, ये देखें। ये देखें, ये बिल्कुल न्यू बनी पड़ी है, ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ। तो भाई मैं अभी पहुंच चुका हूं बर्ड मार्केट में, शहर रहीमयार खान। बाकी दुकान को ढूंढते हैं जहां पर मैं आया हूं। इस दुकान पर चलते हैं, पाकिस्तान बर्ड। तो इस दुकान से कुछ पूछते हैं यार जो लेने के लिए आया हूं। चलो, बर्ड्स आज बहुत सारे हैं, उम्मीद है कि वो मिल जाएगा। तो ये जी दूसरी दुकान है, यहाँ पर ना कोई फिशेज़ का शौक भी करा देते हैं आप सभी को। ये देखें भाई, कलरफुल फिशेज़ हैं माशाल्लाह, फिशेज़ हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी, बड़ी बड़ी हैं, फुल बड़ा साइज। ये मैं अभी दूसरी दुकान पर पहुंच चुका हूं, ये और दुकान है, डव टोकरी में बैठी हूं माशाल्लाह अंडे वगैरह देने के लिए। तो यहां पर देखें माशाल्लाह वाइट प्रिंट, तो ये भी मेरा दिल कर रहा है कि एक जोड़ा ले लेते हैं, एक पेयर ले लेते हैं। और यहां पर बैठे हुए हैं फिशर, लव बर्ड भी बोलते हैं, ये मोर के बच्चे हैं माशाल्लाह। तो भाई ये फिंच वगैरह मैंने ले लिए हैं, बाकी शोर काफ़ी है, क्या करें यार, ये फिंच का एक पेयर लिया है मैंने। ये तो चलते हैं। तो भाई सीधा पहुंचा हूं घर, कहीं पर मैंने ब्रेक भी नहीं लगाई ना ही वीडियो बनाई है, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यास लग गई थी, साथ ही साथ इनका भी मुझे डर था कि यार धूप है, काफ़ी गर्मी है, तो जल्दी लेकर इनको चलते हैं, तो कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सेटअप पर खैर खैरियत से पहुंच चुका हूं। तकरीबन यार 1 घंटे का सफ़र है और काफ़ी मुश्किल से जाना होता है, काफ़ी मुश्किल से आना होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है यार, रश होता है काफ़ी ज़्यादा। अंदर छोड़ देते हैं भाई इनको अपने साथियों के साथ। ये देखें दोस्तों, ये मेल है और इसकी टांग पर ये देखें रिंग भी पहना हुआ है यार इसने, ये देखी, ये रिंग किस वजह से होता है मुझे ज़रूर बताना। बाकी इसको छोड़ते हैं यार, ये देख, ये छोड़ दिया, बाकी इसको भी पकड़ते हैं। ये फीमेल है दोस्तों, पूरा पेयर लेकर आया हूँ, इसको भी छोड़ दिया, वो चली गई। तो माशाल्लाह फीमेल यहाँ पर बैठी हुई है, मेल ऊपर जाके बैठ गया, ये देख,
अपने न्यू साथियों के साथ। मेल जो था ना वो अंदर चला गया है, ये देखें, वो देखें अंदर चला गया था। माशाल्लाह दोस्तों, दिल खुश हो गया यार, और लड़ाई भी हो रही है यार इनकी, ये देखें। तो भाई फिंच को अपने साथियों के साथ छोड़ दिया है, बाकी चलते हैं नीचे खाना खाते हैं दोपहर का, उसके बाद मिलते हैं। तो भाई दोपहर का खाना मैंने खा लिया है, और मैं आया था पानी डालने के लिए, आगे देखा तो इन्होंने नहाया हुआ है, ये देखें, और अपने पार सुखा रही है, ये देखें, आप खुद ही देख सकते हैं। पानी वैसे थोड़ा सा पड़ा हुआ था ना, ये कम था, तो और पानी डालते हैं इनको, पहले तो यार इनको डालते हैं, ये देखें ना ये बेचारे सूखते जा रहे हैं, तो मैं भूल जाता हूँ। ये देखें एक चीज़ मैंने यहाँ पर भी उगाई हुई है, सूरजमुखी, तो ये वो उग रही है, तो इसको भी पानी डालते हैं। तो इन सब को पानी मैंने डाल दिया है, तो अब डालते हैं भाई फिंच को पानी। ये देखें थोड़ा सा पानी बचा पड़ा था। हमारे सेटअप पर अब दो पेयर हो गए हैं फिंच के, और यहाँ पर डव देखें कितनी डर रही है बेचारी बैठ के, अंडों को इनको बैट कर रही है, मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा। तो यार यहाँ पर भी मैं बता दूँ आप सभी को, मेरे साथ अजीब कहानी हुई है, तो शेयर कर ही देता हूँ। तो बॉक्स मैंने उतार दिया है, वो देखें वो पड़ा हुआ है। दो अंडे दिए थे, एक में से बच्चा निकला था, दूसरा अंडा ख़राब हो गया था। बच्चा निकला है ना दोस्तों, उस बच्चे की भी डेथ हो गई है। ये देखें कितने आराम से बैठे हुए हैं यार, इन्होंने बहुत जुल्म किया उस बेचारे के साथ में। तो ना तो इन्होंने फीड कराई है, ना ही कुछ दिया है, बिल्कुल भी उसकी थैली में दाना वगैरह नहीं था, और सॉफ्ट फूड भी डाली थी, बिल्कुल भी उसको नहीं खिलाई इन्होंने। तो मैंने जब देखा तो मुझे काफ़ी दुख लगा, और कुछ भाई बोल रहे थे कि यार इनको ना, इसके बेबी को ना हाथ ना लगाना, क्योंकि वायरस वगैरह आ जाता है तो ये बच्चा मर जाएगा। तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैंने सोचा कि यार हाथ भी नहीं लगाना, देखना भी नहीं है, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये फीड करा रही होंगी। बट इन्होंने फीड नहीं कराई, अगर मैं देख लेता तो सही रह जाता, उसको मैं हेल्प टाइम करता हूँ, सोरेंज की मदद से खिलाता, बहुत प्यारा था यार। तो आप सब जाके ना ये छोटे छोटे से शॉर्ट देख लें, वीडियो मैंने बना ली थी, आप जाके वो वीडियो देख लें। तो यार काफ़ी दुख की बात है, ये देखें हमारा जो ये कॉकटेल का बेबी था ना, नहीं बच पाया, और ये अंडा भी ख़राब है, काफ़ी दुख लगा यार, यकीन करें काफ़ी दुख लगा। अब चलते हैं यार, इसको दफना देते हैं, और मैंने बॉक्स भी उतार दिया यार, इतना दुख लगा मुझे। ये देखें अब दोनों बाहर बैठे हुए हैं। तो भाई वीडियो देख लिया यार, काफ़ी दुख लगा था मुझे, इसलिए मेरी कल वीडियो नहीं आई थी, वजह सिर्फ ये ही है दोस्तों कि मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो चुका था यार, सच्ची बोल रहा हूँ। मेहनत से लाया था, इतने प्यार से, इतने शौक से लाया था, जो होना था दोस्तों वो हो ही गया है आज। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ खुशी हुई है कि अपने सेटअप पर न्यू एंट्री तो हो गई है। आप सबने ज़रूर बताना है कि आज की हमारी न्यू एंट्री कैसी लगी है। मुझे वीडियो का यहीं पर एंड करना होगा, तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। दुआओं में याद रखना, और वीडियो को लाइक डन कर देना, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। अल्लाह हाफिज़।